डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इधर हम लोग लेटर्स के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स इन दो भागों में लेटर डिवाइड हो गया था। तो हम लोगों ने ऑफिशियल लेटर्स देखा किस तरीके से प्रिंसिपल के पास या किसी अधिकारी के पास कैसे लेटर लिखा जाता है, उसके विषय में हम लोगों ने पहले पढ़ा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, कैसे लिखा जाता है, यानी जो घरेलू पत्र होते हैं जो सगे संबंधी रिश्तेदारों के पास लिखे जाते हैं, मित्र के पास लिखे जाते हैं, भाई बहन माता पिता ऐसे सब लेटर्स। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर लिखने का या पहले क्वेश्चन को समझने का यही तरीका है कि लेटर से हम तीन चीजें जरूर निकालते हैं कि लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है, किसके पास लिखा जा रहा है और कारण क्या है, क्यों लिखा जा रहा है। तो अब देखें आपका इनफॉर्मल लेटर्स है, जो आठवां लेटर है, लिखा है राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, यंगर ब्रदर, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड वाइज। यानी क्वेश्चन क्या है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड वाइज। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर यंगर ब्रदर, अपनी छोटे भाई के पास, एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह देते हुए, टू गिव अप, छोड़ने के लिए, द कंपनी ऑफ बैड वाइज, कंपनी माने साथ, बैड बॉय मैंने बुरे लड़के, यानी बुरे लड़कों की संगत छोड़ने के लिए कि वह बुरे लड़कों की संगत में न रहे, ऐसा एडवाइस करते हुए आप अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि यहां पर इसका मतलब यह है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे जिसमें एडवाइस किया जाए कि वो जो है जो बुरे लड़कों की संगति है उसे छोड़ दे। इसका मतलब है कि छोटा भाई, अब हम भी एक विचार बैठ करते हैं, कल्पना करते हैं कि मान लो छोटा भाई कहीं बाहर है, पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा होगा या कहीं होगा, बड़े भाई को जानकारी मिलती है कि उसका छोटा भाई यहां से गया पढ़ाई के लिए और वहां जो है बुरे लड़कों की संगत में आ गया, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि उस छोटे भाई को उन समझाते हुए उसे समझावे और पत्र लिखे। तो इस तरीके से बड़ा भाई पत्र लिख रहा है छोटे भाई को। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले पत्र कहां से लिखा जा रहा है, किस जगह से लिखा जा रहा है, हम उसे देखेंगे। तो अब जैसे यहां तो आपकी किताब में यहां लिखा हुआ चार बाग लखनऊ, इन आपको चार बाग लखनऊ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर अपना पता दे सकते हैं, अपना पता दीजिए और डेट ऊपर डाल दीजिए। इस तरीके से यहां आप लिख सकते हैं माई डियर यंगर ब्रदर या डियर गौरव, डियर रमेश, डियर सुरेश, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसे देखिए कि कैसे लिखा गया है, क्या है इसमें थीम, क्या है अर्थ, देखिए लिखा है आई वॉज शॉक्ड टू नो, यानी बड़ा भाई लिख रहा है क्या कहता, आई वॉज शॉक्ड टू नो, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का पहुंचा, दैट यू हैव फॉलन इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, कि तुम बुरे लड़कों के संगत में आ चुके हो, यानी तुम्हारा साथ बुरे लड़कों के साथ हो गया है, तुम बैड बॉयज यानी इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, तुम बुरे लड़कों के संगत में आ गए हो, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का पहुंचा, मैं बहुत दुखी हुआ। इट इज द टाइम, ये तो वही समय है, व्हेन यू कैन मेक आर मार योर करियर, जब तुम अपने जीवन को बना सकते हो अथवा बिगाड़ सकते हो, मेक कर सकते हो और मार कर सकते हो, या मैं यार मार नष्ट करना, बना लो या तो नष्ट कर लो, एक समय होता है चाहे आदमी अपने जीवन को बना ले अथवा बिगाड़ ले। तो बड़ा भाई इस तरीके से लिख रहा है समझाते हुए, कहता है इट इज द टाइम, ये वही समय है व्हेन यू कैन मेक, जब तुम बना सकते हो, आर मार योर करियर,
अथवा अपने चरित्र को बर्बाद कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। चाहो तो कैरियर बना लो, चाहे कैरियर नष्ट कर दो। जीवन बर्बाद कर सकते हो, जीवन बना सकते हो, यही वो समय है। बीइंग योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आई हैव द राइट टू एडवाइज यू, मुझे तुम्हें सलाह देने का अधिकार है। टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉय, तुम बुरे लड़कों की संगत छोड़ दो। एक बड़ा भाई होने के कारण मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बुरे लड़कों की संगत छोड़ दो। एंड डिवोट योरसेल्फ, और अपने आप को लगा दो, समर्पित कर दो टू योर स्टडीज, अपने अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर अपने आप को लगा दो। आई होप, मैं आशा करता हूं यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। प्लीज कन्वे माय रिगार्ड टू मम एंड डैड, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू मम एंड डैड। मम और डैड को मेरा सम्मान करना, यानी मेरे तरफ से प्रणाम। योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्रिय भाई। अब यहां पर अपना नाम आप लिख सकते हैं, एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता है, वहां पर एक्स वाई जेड हो जाता है। तो बड़ा भाई, कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए बड़ा भाई बाहर कहीं काम कर रहा, नौकरी कर रहा है, और छोटा भाई घर पर है मम और डैड के साथ। तो बड़े भाई को जब पता चलता है कि छोटा भाई बुरे लड़कों की संगत में आ गया है, तब भी वहां से वो पत्र लिखता है। तो जब अगर माता पिता छोटे लड़के के साथ हैं या घर पर हैं, तो बड़े लड़के की तरफ से मॉम और डैड को रिगार्ड्स कन्वे किया गया है, कहा गया है। तो पहला लेटर, इनफॉर्मल लेटर हम लोगों ने देखा, और इसी क्रम में हम लोग दूसरा लेटर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगला वीडियो, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। राइट लेटर टू योर फादर, write a letter to your father requesting him to send you money as you have become out of pocket. Write a letter to your father. तुम अपने पिता के पास एक पत्र लिखो, यानी अपने पिता के पास एक पत्र लिखो, requesting him, उनसे प्रार्थना करते हुए, to send you money, कि वो तुम्हारे पास पैसा भेजे, as you have become out of pocket, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा खत्म हो चुका, आउट ऑफ पॉकेट माने पैसा नहीं है, जेब खाली है, पैसा समाप्त हो चुका है। तो पिता के पास पत्र लिखो जिससे को आपको पैसा देते हैं। लड़का कहीं बाहर है, कहीं पढ़ रहा है, कहीं कुछ है, तो उसे उसके लिए किताब खरीदनी होगी, और भी तमाम समस्याएं होती हैं। तो अपनी समस्या बताते हुए पिता के पास पत्र लिखना है कि पैसे नहीं है, आप कृपया पैसा भेज दीजिए। तो कैसे लिखा गया है आप इसे देखिए। अब लड़का पिता के पास लिख रहा है, तो सबसे पहले ऊपर लड़के का एड्रेस, जहां से लड़का लिखा है, रूम नंबर 15, रूम नंबर 15। जरूरी नहीं होता है कि आप यही एड्रेस लिख दें, आप कोई भी एड्रेस यहां पर लिख सकते हैं, रूम नंबर 15, दयानंद हॉस्टल पुणे। तो ये नहीं लिखना है आपको, आप अपने सामान्य एड्रेस को, जहां आप रहते हैं वहां का एड्रेस दीजिए, अपने हॉस्टल का एड्रेस दीजिए, अपने क्वार्टर का एड्रेस आप यहां लिख सकते हैं, डेट ऊपर आप डालेंगे यहां। अब लड़का अपने पिता के पास कैसे पत्र लिख रहा है जिसे पैसे की जरूरत है। डियर डैड, डियर डैड या डियर फादर, आई एम फाइन हियर, मैं यहां आराम से हूं, ठीक हूं, एंड होप यू विल बी सेलिंग इन द सेम बोट, और आशा करते हैं कि आप भी ऐसा ही होंगे, यानी आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप सेम फाइन, हम यहां बिल्कुल ठीक है, आशा करते हैं आप भी ठीक ही होंगे। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मेरा अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बट आई नीड ए बुक ऑफ फिजिक्स, लेकिन मुझे फिजिक्स की एक बुक की आवश्यकता है। आई हैव बिकम आउट ऑफ पॉकेट, मेरे पास इसमें पैसे नहीं है, पैसे समाप्त हो चुके हैं, सो आई कैन नॉट परचेज द बुक, इसलिए मैं किताब नहीं खरीद सकता। प्लीज सेंड मी रूपीज 500, कृपया 500 रुपए भेज दीजिए, सो दैट, जिससे कि
आई में परचेज द बुक, मैं किताब खरीद सकूं। आई नीड इट अर्जेंटली, मुझे इसकी बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, यानी अर्जेंटली नीड है। और इस प्रकार इसको स्टार्ट करते हुए फिर लिखा गया, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू मम एंड लव टू निशु, यानी मेरा सम्मान माँ को, मेरा सम्मान एंड लव टू निशु, और निशु को बहुत सा प्रेम। योर्स लविंगली राजीव, यानी एक्स वाई जेड आप लिखेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि पहले लेटर में जो आपको आज बताया गया इस वीडियो में, छोटा बड़ा भाई छोटे भाई को एडवाइज करते हुए पत्र लिखा है कि वो बुरे लड़कों की संगत छोड़ दे। दूसरे में लड़का कहीं बाहर पढ़ रहा है, उसे पैसे की जरूरत है, वो अपने पिता के पास अपनी समस्या बताते हुए उसे किताब खरीदनी है, उसके पास पैसे समाप्त हो चुके हैं और आप अर्जेंट नीड है उसे पैसे की, इसलिए आप उसके पास पैसा भेज दीजिए। और इस प्रकार ये दोनों जो इनफॉर्मल लेटर्स है, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करके, और इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज ऐसे देख करके पढ़ने में और लिखने में बहुत अंतर आ जाता है। आप उसे लिखेंगे आपकी स्पेलिंग कन्फर्म होगी, और लिखने का एक तरीका ये जरूर है कि जो लाइनों का या जिस तरीके से आपको लिखना है, कभी भी डिस्टर्ब ये न हो कि लाइनें आपस में इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएं, आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि उसका मेथड क्या होता है लिखने का, उस तरीके से उसे आपको समझ करके लिखना है। और दोनों लेटर आप लोग पढ़ लीजिएगा और मेन कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा। पुनः हम आपको अगले वीडियो में जो कुछ आगे दिया गया उसके विषय में बताएंगे और समझाएंगे कि इसका मैटर क्या है और कैसे उस पत्र को लिखा जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।